2023 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आया है। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में भारत ने लगातार 5वीं जीत 4 विकेट से हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 273 रनों का टारगेट टीम इंडिया को दिया। जवाब में टीम इंडिया ने ये टारगेट 48वें ओवर में पूरा कर लिया और इसी के साथ ही एक और कीर्तिमान अपने नाम बना दिया। टीम की बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों ही कमाल की रही। बॉलिंग में आज पूरा दिन मोहम्मद शमी के नाम रहा, जिन्होंने 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को सस्ते में निपटा दिया। इसके बाद भारत के बल्लेबाजों ने तो एक से बढ़कर एक चौके और छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। बात ओपनिंग बल्लेबाजी की करें तो हमेशा की तरह ही रोहित का बल्ला आग उगल रहा था। उनका बल्ला छक्के और चौकों की चारों तरफ बरसात कर रहा था। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी और टीम इंडिया के सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर से धमाकेदार पारी खेलकर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एटीएफ हिंदी न्यूज़।